नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। क्यों धार्मिक कार्यों में पुष्प का अधिक महत्व होता है? सोने चांदी एवं कीमती आभूषणों से देवी देवता नहीं प्रसन्न होते, उनकी इच्छा मात्र से ही सोने चांदी के ढेर लग जाते हैं। जिस वस्तु के भंडार हैं उनके पास, भला उन वस्तुओं से उन्हें क्या प्रसन्नता होगी? सामान्य सी भाषा में, आपके पास स्कूटर है और कोई आपको एक दूसरा स्कूटर दे दे तो आप प्रसन्न होंगे भी तो बहुत कम, लेकिन कोई कार दे दे तो आपकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहेगी। यही बात यहाँ लागू होती है। धार्मिक कार्यों में देवी देवताओं का पूजन होता है। देवी देवता श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के भूखे होते हैं। सोना चांदी अमीर लोग देवताओं के चरणों में चढ़ा सकते हैं, किंतु गरीब लोग जिनकी सामर्थ्य नहीं है, वे कहाँ से लाकर सोना चांदी या आभूषण चढ़ाएंगे? देवी देवताओं की दृष्टि में अमीर गरीब, ऊंच नीच सभी एक समान है, और पुष्प अर्थात फूल से हर कोई पूजा कर सकता है, जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पुष्पों की मीठी सुगंध से तृप्त होकर देवता प्रसन्न होते हैं। पुष्प सुखदायक तो है ही, पुण्य को बढ़ाने वाला, पापों को भगाने वाला और श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला पुष्प हमारे जीवन में सुंदरता, उल्लास और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। और पुष्प खिलकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करता है, उसी प्रकार मनुष्यों को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। यही पुष्प का संदेश है। खिला हुआ पुष्प मनुष्य, देवता इत्यादि सभी को प्रसन्नता प्रदान करता है, इसलिए सभी शुभ कार्यों में पुष्प का अधिक महत्व होता है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।